हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं 9 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1। उसमें हम देखने वाले चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स। सो मैंने पहले ही आपको बताया था इस चैप्टर में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1 to 2.5। तो आज हम देखने वाले प्रॉब्लम सेट 2। सो प्रॉब्लम सेट 2 मैंने आपको बताया था, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। सो पार्ट 2 में कौन से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था। सो प्रीवियस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था, बराबर। सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्स। अभी क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या आप सभी को पता है, आपने वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले आपको वीडियो देखना है ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो हम करेंगे स्टार्ट फटाफट। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है मतलब क्या, कुछ हमें बड़ा दिया होगा तो उसको छोटा छोटा करके जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो रूट ऑफ 32 दिया है आपको, सो रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू क्या लिख सकती मैं, मुझे स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। अगर मैंने स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, वी गेट सम वैल्यू। सो इन प्लेस ऑफ 32 क्या ना, राइट 16 into 2 का 32 होता है, बराबर। सो इसके जगह मैंने क्या लिखा, 16 into 2 लिखा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अगर मैंने सेपरेट कर दिए, रूट 16 into root 2, सो वी गेट 4 root 2। ओके, सो अगर उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, नाउ 4 root 2 into 2 लिख सकती मैं, 4 root 2 अगर 2 अगर मैंने कर लिया, सो वी गेट 4 into 2 दैट इज 8। यस, नाउ विच इज द रैशनल नंबर, ये क्या है मेरा, विच इज अ रैशनल नंबर, ये मेरा रैशनल नंबर है, बराबर, रैशनल नंबर दैट इज नथिंग बट ये जो रूट टू है, रूट टू क्या है, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 32। ओके, यही मुझे निकालना था। सो यहाँ पे लिख दो रूट टू क्या है, रूट टू इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब छोटा वाला जो फॉर्म बोलते हैं हम, सिंपलेस्ट मतलब सादा वाला, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर, ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ऑफ 32। यस, इतना हमें करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है वो फाइंड करना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड पे रूट ऑफ 50। सो अभी रूट ऑफ 50 जो है उसको कैसे लिख सकती मैं, 25 into 2 लिख सकती हूँ, बराबर। चलो रूट क्या करती मैं, सेपरेट कर देती हूँ, रूट ऑफ 25 into root of 2। सो रूट ऑफ 25 का आंसर निकलता है 5, बिकॉज 5 square is 25, सो वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5। यस, सो वी गेट 5 root 2। नाउ सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट टू है, चलो रूट टू से मल्टीप्लाई करते एक बार। सो नाउ अगेन 5 root 2 into root 2 क्या मिल जाएगा, 5 into 2 दैट इज नथिंग बट 10। सो विच इज अवर रैशनल नंबर, ये क्या है मेरा रैशनल नंबर है, सेम जो मैंने वहां पे लिया लिखा था प्रीवियस एग्जांपल में, यहाँ पे। सो विच इज अवर रैशनल नंबर, नाउ हमने जो रूट टू अभी लिया है वो क्या रहेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका रहेगा, रूट ऑफ 50 का। सो रूट टू इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर ऑफ किसका, रूट ऑफ 50 का। ओके, इतना हमें करना था सिंपलेस्ट फॉर्म में। देन आता है नेक्स्ट एग्जांपल में, रूट ऑफ 27। अभी इसी का तो आंसर सभी को पता है, पता है नहीं, ये क्या है, स्क्वायर रूट है, इट इज नॉट क्यूब रूट। हम क्या ढूंढते हैं, यस चल आ गया हमें रूट ऑफ 27 है, इसका आंसर तो 3 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, नॉट अ क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट का आंसर निकलता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 27 नहीं निकलता। सो रूट ऑफ 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट ऑफ 9 into 3
अगेन स्क्वायर रूट क्या करो, सेपरेट करो रूट 9 इंटू रूट 3, सो वी गेट रूट 9 जो है उसका क्या मिल जाएगा 3, नाउ वी गेट 3 रूट 3, ओके अगेन यहाँ पे रूट 3 मिल गया, चलो मल्टीप्लाई कर दो, नाउ 3 रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3, सो 3 3 सा 9 विच इज अवर रैशनल नंबर, सो विच इज अ रैशनल नंबर, ओके ये क्या है मेरा रैशनल नंबर है। मतलब क्या है जो रूट 3 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर बोल सकती मैं उसको, यस सो देयरफॉर रूट 3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द किसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ऑफ 27, ओके सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द लास्ट वन क्या है, फोर्थ वन, 3/5 रूट ऑफ 10। अभी आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दिया है, तो अगर फ्रैक्शन आए या सिंपलेस्ट फॉर्म आए कुछ भी हो बहुत इजी रहता है, ओनली क्या रहता है सिंप्लीफिकेशन। अभी सिंप्लीफिकेशन क्या करती है, मैं देखो यहाँ पे 3/5 एज इट इज, रूट 10 यहाँ पे है, सो रूट 10 को क्या करती है एक बार फिर से रूट 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर उसका कुछ भी नहीं आंसर निकलता यहाँ पे रूट 10 में कैसे लिख सकती हूँ 5 × 2, 2 × 5, बट 5 और 2 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, सो क्या करो उसको क्या करो रूट 10 जो है जो हमारा सेट दिया है स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हो उसी से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ओके सो क्या मिल जाएगा रूट 10 इंटू रूट 10, सो वी गेट 3/5 इंटू रूट 10 इंटू रूट 10 क्या हो जाएगा 10, सो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, देन 3 × 2 दैट इज नथिंग बट अवर 6, सो 6 क्या है रैशनल नंबर है बराबर विच विल बी डिनोटेड बाई क्यू। नाउ ये जो रूट 10 हमने ले लिया वो क्या रहेगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर। अभी ये जो आंसर आया वो हमारा फॉर्म नहीं रहेगा, हमारा फॉर्म क्या रहेगा रूट 10 रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया उसको मल्टीप्लाई किया, यस सो दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर, ओके सो रूट 10 इज द मेंशन कर दिया आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द किसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ किसका रहेगा गिवन क्वेश्चन का गिवन सेट का दैट इज 3/5 × √10, ओके सो ये था फोर्थ वन। देन आते हैं फिफ्थ पे, ये भी बहुत इजी है जो हमने अभी किया वही सब स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। नाउ 3 × √72 और 3√72 बोल सकते हैं हम, चलो यहाँ पे 3 as it is, 72 as it is लिखती मैं, चलो 3 as it is रखेगा, 72 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कैन आई राइट 2 × 36 लिख सकती हूँ, यस सो यहाँ पे 3 as it is, नाउ सेपरेट द रूट, रूट 2 × √36, सो 3 as it is 36 का रूट क्या निकलता है 6 निकलता है, नाउ 6√2, सो 3 × 6 = 18, यस बराबर सो वी गेट 18√2, सो अभी यहाँ पे जो रूट 2 है चलो मल्टीप्लाई कर दो, सो नाउ 18√2 × √2 इज इक्वल्स टू 18 × 2 बिकॉज रूट 2 × √2 2 हो जाएगा एंड 18 × 2 दैट इज नथिंग बट 36, सो ये क्या है मेरा रैशनल नंबर है, सो यहाँ पे क्या रहेगा रूट 2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, रूट 2 क्या है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√72 ओवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, ओके देन आता है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपको दिया है 4√11, चलो अभी देखो 4√11 यहाँ पे दिया है, रूट ऑफ 11 को कुछ होता है क्या 1 × 11 और 11 × 1 ही होता है बराबर, तो यहाँ पे स्क्वायर है क्या कोई नहीं, अगर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करते हैं जो हमें रूट में दिया है उसी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने फोर्थ में किया, सो यहाँ पे वैसे कर देते हैं, सो 4√11 × √11, सो वी गेट 4 × √11 × √11 दैट इज 11, सो वी गेट 4 × 11 दैट इज नथिंग बट 44,
हमारा आंसर क्या रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगा, रूट ऑफ 11। सो रूट ऑफ 11 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर रहेगा, फोर्थ रूट ऑफ 11। ओके, तो ये हमने जो क्वेश्चन देखे 1 to 6, यस सारे क्वेश्चन किसमें थे, क्वेश्चन नंबर 6 में। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी देखो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने के लिए सब बड़े दिखते हैं, बट अगर हमने सॉल्व कर दिया स्टेप वाइज अगर कर दिए तो सारा आंसर आप ये मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको 4/7 रूट ऑफ 147 प्लस 3/8 रूट ऑफ 192 माइनस 1/5 रूट ऑफ 75। चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, सो 4/7 रूट ऑफ 147 प्लस 3/8 रूट ऑफ 192 माइनस 1/5 रूट ऑफ 75। ओके, सो व्हाट वी गेट, 4/7 ऐसे का वैसे रख दो, इसको कैसे कर सकते हैं, 147 को स्क्वायर के फॉर्म में करो, 3 × 49, यस सो यहाँ पे 3 × 49 प्लस 3/8 एज इट इज, यहाँ पे क्या कर सकती मैं 192 को अगेन 3 से डिवाइड होता है, 3 × 64, यस नाउ माइनस 1/5 रूट ऑफ 75 आपको दिया है, 75 को अगेन 3 × 25। ओके, चलो अभी रूट सेपरेट कर दो, सो 4/7 रूट 3 × √49 प्लस 3/8 रूट 3 × √64 माइनस 1/5 √3 × √25। सो व्हाट वी गेट, 4/7 रूट ऑफ 49 का आंसर क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, सो × 7 रूट 3 प्लस 3/8 एज इट इज, रूट ऑफ 64 का आंसर 8 एंड एज रूट 3 एज इट इज माइनस 1/5, यहाँ पे क्या है रूट 3 एज इट इज रहेगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है, 5 आता है, सो वी गेट 5√3। चलो अभी क्या होता है यहाँ पे, 7 × 7, 7 × 7, 8 × 8, 8 × 8, 5 × 1, 5 × 1, यस 5 × 5, सो वी गेट 4 × √3 देन 3 × √3 माइनस 5√3 और √3, सिंपल। अभी देखो तीनों में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, चलो √3 में क्या लेती हूँ, कॉमन लेती हूँ, सो व्हाट इज रिमेनिंग, 4 + 3 - 1, सो 4 + 3 = 7, 7 - 1 = 6, सो वी गेट 6√3 इज अवर फाइनल आंसर। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। सो इतना बड़ा आपको दिया था, उसने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा उसको कट करते करते जाके हमें क्या मिला, सिंपलेस्ट फॉर्म मिला, उसको मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, एंड वी गेट द आंसर इज 6√3। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th में ही सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे होता है सिंप्लीफाई देखो, सो 5√3 प्लस 2√27 प्लस 1/√3 इज द, ये आपको दिया है। चलो अभी यहाँ पे देखो स्मॉलर कौन सा है, √3 है, सो मुझे क्या करना है, जो छोटा रहता है, ओके सबसे छोटा जो है उसके फॉर्म में आपको क्या करो, उसको सिंप्लीफाई करो। सो यहाँ पे √3 क्या है, स्मॉलर है, सो यहाँ पे हो जाएगा 5√3 एज इट इज रखो। इसको मैं 27 को 3 के मल्टीपल में कर सकती हूँ क्या, यस बिकॉज 2 एज इट इज 3 × 9 मैंने कर दिया, सो वी गेट 27 प्लस, अभी यहाँ पे देखो √3 क्या है, नीचे है, अगर √3 अगर नीचे होता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। सो जो डिनोमिनेटर में उसी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, सो 1/√3 × 1/√3 × √3, ठीक है। सो इन दैट केस वी गेट 5√3 देन स्क्वायर रूट सेपरेट कर दो, 2√3 × √9 प्लस 1 × √3 √3 एंड √3 × √3 = 3। ओके, नाउ 5√3 प्लस 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, नाउ दिस 3√3 एज इट इज प्लस √3/3, सो व्हाट वी गेट, 5√3 प्लस 2 × 3 = 6√3 प्लस √3/3,
नाउ अभी देखो 5√3 + 6√3 मैंने वैसे का वैसे रख दिया, क्या ना राइट ये जो मैंने √3/3 लिखा ऐसे लिख सकती क्या मैं 1/3 × √3 लिख सकती हूँ बराबर। अभी देखो तीनों में भी कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, सो अगर मैंने √3 कॉमन निकाला सो अंदर क्या रहेगा 5 + 6 + 1/3। चलो यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट पे, क्या हो जाएगा 5 + 6 = 11, सो 11 + 1/3 × √3। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, 11 × 3 = 33 एंड 33 + 1 = 34/3 एंड √3 एज इट इज, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या किया मैंने, इसको भी क्या किया सिंप्लीफाई किया, बहुत बड़ा ऐसा इक्वेशन दिखाई दे रहा था बराबर, तो उसको क्या करना है छोटा छोटा करके जाके हमें क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सो मैंने क्या किया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। देन आता है थर्ड क्वेश्चन पे, तो क्या है थर्ड क्वेश्चन, √216 - 5√6 + √294 - 3/√6। चलो एक बार लिख देती मैं, √216 - 5√6 + √294 - 3/√6। ठीक है, यहाँ पे मैं उसके दो बॉक्स कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो क्या होता है 216 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या ना राइट 6 × 36 से डिवाइड होता है और 36 क्या है मेरा स्क्वायर रूट निकाल सकता है 6, सो यहाँ पे मैंने क्या लिया 6 × 36। अभी देखो यहाँ पे जो √6 था वो क्या था छोटा था सबसे, सो मैंने उसको क्या किया 6 के फॉर्म में होता है क्या वो देखा, चलो यहाँ पे भी 6 के फॉर्म में ले लिया, 6 × 36 मुझे मिल गया। नाउ 5√6 एज इट इज प्लस इसको कह सकती क्या मैं 294 को, यस इसको भी 6 से डिवाइड होता है, वी गेट 6 × 49 एंड 49 आल्सो स्क्वायर ऑफ 7। नाउ -3/√6 एज इट इज, चलो स्क्वायर रूट अगर सेपरेट कर दे तो क्या मिल जाएगा √6 × √36 - 5√6 + √6 × √49 - 3/√6। अब ये जो 3/√6 है उसको क्या करते हैं, हम प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी √6/√6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ √6 × ये क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 नथिंग बट 6 माइनस 5√6 प्लस √49 का आंसर 7√6 - 3 × √6 = 3√6। नाउ √6 × √6 = 6 मिल गया। ओके अभी देखो सब में कॉमन क्या है, √6 कॉमन है, क्या ना टेक कॉमन निकाल सकती मैं, सो अगर मैंने √6 कॉमन निकाला तो वी गेट 6 - 5 + 7 - 3/6। ओके सो ये जो 3/6 है उसको 1/2 लिख सकती क्या मैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, सो वी गेट 1/2। नाउ 6 - 5 = 1, 1 + 7 = 8 and 8 - 1/2 एंड √6 एज इट इज, सो 8 × 2 = 16 - 1/2 √6 दैट इज नथिंग बट अवर व्हाट वी गेट 16 - 1 = 15/2 एंड √6 एज इट इज। ओके सो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, हमने क्या किया वही स्टेप यहाँ पे अप्लाई की जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में की। ओके देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पे, उसको भी सिंप्लीफाई करना है, चलो कैसे देखते हैं, क्या है 4√12 - √75 - 7√48। चलो क्या हो जाएगा √12 को कैसे कर सकती मैं, कैन आई राइट 4 × 3, चलो 4 × 3 हो सकता है माइनस यहाँ पे 75 को कैसे लिख सकती हूँ 25 × 3 माइनस यहाँ पे 7 एज इट इज, 48 को कैसे लिख सकती मैं 3 के मल्टीपल लो, क्यों 3 का मल्टीपल क्योंकि सब जगह क्या रहेगा √3 √3 रहेगा, सो इसको भी 3 से डिवाइड होता है क्या होता है, सो 16 × 3, चलो अब इस रूट सेपरेट कर दो, सो 4 × √4 × √3 - √25 × √3 - 7 × √16 × √3। नाउ 4 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या रहेगा 2 रहेगा, √3 एज इट इज माइनस,
स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 अगेन रूट 3 एज इट इज माइनस 7 एज इट इज रूट ऑफ 16 इज 4 एंड रूट 3 एज इट इज नाउ 4 इंटू 2 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस 7 4 सा 28 रूट 3 तीनों में कॉमन क्या है रूट 3 कॉमन है सो कैन आई टेक कॉमन यस सो अगर रूट 3 मैंने कॉमन कर दिया चलो क्या रहेगा अंदर 8 माइनस 5 माइनस 28 अभी 8 माइनस 5 3 रहता है एंड 3 माइनस 28 इज नथिंग बट माइनस 25 एंड दिस रूट 3 एज इट इज सो व्हाट वी गेट माइनस 25 रूट 3 इज अवर फाइनल आंसर ओके तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन देन आते हैं लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फिफ्थ वन 2 रूट 48 माइनस रूट ऑफ 75 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अभी क्या करना पड़ेगा जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको सिंप्लीफाई करो ठीक है सो 2 एज इट इज 48 को कैसे लिख सकती मैं 16 इंटू 3 माइनस 75 को 25 इंटू 3 माइनस अभी ये 16 25 से क्यों ले ली मैंने क्योंकि मुझे क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए ठीक है दैट्स व्हाई वी आर टेकन दिस नाउ माइनस 1 अपॉन रूट 3 है चलो रूट 3 अगर डिनोमिनेटर में हो तो क्या करते हैं रैशनलाइजेशन सो मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैं दोनों को भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया सो 2 इंटू रूट अगर सेपरेट कर दे तो व्हाट वी गेट रूट 16 इंटू रूट 3 माइनस रूट ऑफ 25 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 है मतलब 1 इंटू रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 सो 1 अपॉन रूट 3 दैट इज रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 3 मिल जाएगा सो 2 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट 4 इंटू रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 अगेन 2 इंटू 4 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 चलो तीनों में कॉमन क्या है रूट 3 कॉमन है चलो तो अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा 8 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3 सो 8 माइनस 5 3 सो 3 माइनस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू और रूट 3 बोल सकते हैं कॉमन वाला सो इधर क्या बचेगा बार बार बचेगा 3 इंटू 3 9 9 माइनस 1 8 सो यहाँ पे मिल जाएगा 8 अपॉन 3 रूट 3 ओके सो ये क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर रहेगा क्योंकि यह क्या है हमारा फाइनल आंसर सो 8 अपॉन 3 रूट 3 इज अवर फाइनल आंसर और सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या है सिंप्लीफिकेशन और सॉल्यूशन ओके सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइजेशन करते हम अगर मुझे कुछ नंबर दिया है मोनोमियल है बाइनोमियल है सो मोनोमियल है तो क्या करते हैं उसी नंबर से करते हैं ठीक है बाइनोमियल है तो क्या करते हैं कॉन्जुगेट पेयर से उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या है उसका कंसेप्ट है सो नाउ वी स्टार्ट 1 अपॉन रूट 5 इज द कैसे करेंगे 1 अपॉन रूट 5 को रूट 5 दिया है नीचे सो क्या रहेगा 1 अपॉन रूट 5 इज इट इज मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5 अगेन न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन सो यहाँ पे क्या लिख दो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट ऑफ 5 ओके रीजन लिख दो वहां पे सो अगर 1 इंटू रूट 5 मिल गया तो क्या मिल जाएगा रूट 5 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 5 मिल जाएगा सो ये क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर ठीक है सो ये था हमारा फर्स्ट वन बहुत इजी आपको सिर्फ क्या करना है जो हमने प्रैक्टिस सेट पे देखा था वही है सिर्फ क्या है थोड़ी बहुत वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है ओके सो नेक्स्ट आते हैं 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया चलो क्या है वहां पे बाइनोमियल दिया है मतलब कॉन्जुगेट पेयर लगने वाली मुझे यस सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट पेयर हियर दैट इज
रूट थ्री माइनस प्लस रूट टू, रूट टू हो जाएगा। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट रहेगा, कॉन्जुगेट पेयर, क्या कॉन्जुगेट पेयर रहेगी, रूट थ्री प्लस रूट टू। चलो मल्टीप्लाई कर दो अभी। सो यहाँ पे मिल जाएगा वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू इन टू रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस रूट टू। ओके सो वन इंटू दिस दैट इज रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी जो हमने 2.5 में देखा था, बराबर। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4 और 2.5 में देखा था हमने। ओके सो रूट थ्री स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, क्यों लिया, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, रूट थ्री प्लस रूट टू एज इट इज। सो रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री माइनस रूट टू स्क्वायर इज टू, सो वी गेट रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय वन इज नथिंग बट रूट थ्री प्लस रूट टू, यस। सो ये क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करना है अभी। सो आते हैं नेक्स्ट पे, क्या दिया आपको, वन अपॉन थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट टू। देखो यहाँ पे भी क्या है, बाइनोमियल है, मतलब कॉन्जुगेट पेयर लगने वाली है। चलो कॉन्जुगेट पेयर क्या है, कॉन्जुगेट पेयर यहाँ पे आएगी, कॉन्जुगेट पेयर थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट टू, यस ये आएगी। चलो क्या होता है यहाँ पे, वन अपॉन थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट टू इन टू थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट टू। ओके सो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू दिस इज नथिंग बट थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, सो वी गेट थ्री स्क्वायर और थ्री रूट फाइव स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके माइनस टू रूट टू स्क्वायर, सो क्या मिल जाएगा, थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहता है, थ्री का भी स्क्वायर रूट फाइव का भी स्क्वायर, सो थ्री का स्क्वायर नाइन और रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस टू का स्क्वायर फोर एंड रूट टू का स्क्वायर टू। सो क्या मिल जाएगा, थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट टू एज इट इज और नीचे रहेगा नाइन फाइव सा फोर्टी फाइव माइनस फोर इंटू टू एट। ओके सो व्हाट इज द सब्सट्रैक्शन, क्या सब्सट्रैक्शन रहेगी, थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय फोर्टी फाइव माइनस एट इज नथिंग बट थर्टी सेवन। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज अवर आंसर, सो वी गेट थ्री रूट फाइव माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय थर्टी सेवन इज द फाइनल आंसर। ओके आई होप सबको समझ में आया होगा, हमने कुछ नहीं किया, जो प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था वही चीजें हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो कंसेप्ट मैंने वहां पे बताई थी एक बार यहाँ पे भी रिवाइज कर दी। ओके तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 अपॉन फोर रूट थ्री माइनस रूट टू। ओके सो क्या है, 12 अपॉन फोर रूट थ्री माइनस रूट टू दिया है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट पेयर लगेगी। चलो कॉन्जुगेट पेयर लिखती मैं, कॉन्जुगेट पेयर क्या रहेगी, कॉन्जुगेट पेयर यहाँ पे दैट इज 12 अपॉन और कॉन्जुगेट पेयर इज नथिंग बट साइन चेंज होगा, सो फोर रूट थ्री प्लस रूट टू आ जाएगा। चलो अभी क्या रहता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। चलो वाह 12 अपॉन फोर रूट थ्री माइनस रूट टू इन टू फोर रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय फोर रूट थ्री प्लस रूट टू, सो वॉट वी गेट, 12 इंटू फोर रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, जहां पे मैंने मेंशन नहीं किया वहां पे आपको मेंशन करना है। सो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सो वी गेट फोर रूट थ्री स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर। चलो अभी उसको सिंप्लीफाई कर दो, सो 12 वैसे का वैसे रख दो, सो 12 फोर रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय फोर स्क्वायर इज 16 एंड रूट थ्री स्क्वायर इज 3 माइनस रूट टू स्क्वायर इज 2। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या मिल जाएगा, 12 एज इट इज फोर रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय
16 इंटू 3 कितना आता है 48 माइनस 2, देन वी गेट 12, 4 रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 2 इज नथिंग बट 46। तो अभी किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है, सो 26 आर 12, 22 आर 4, 23 आर 6, सो व्हाट वी गेट 6 इंटू 4 रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 23। ओके, सो ये क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन हमने क्या देखे, पार्ट नंबर 2 प्रॉब्लम सेट पार्ट 2 जो है वो सारे यहाँ पे देखे हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पार्ट 1 में देखा था, और क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सारे क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में देखे। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। सो ये क्या है हमारा आज जो पढ़ाया, ये क्या था लास्ट वीडियो था किसका, रियल नंबर्स का विद प्रॉब्लम सेट। मतलब सारे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट यहाँ पे मैंने कवर कर दिए, उसके आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी है, सो आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।